सब दोस्तों, आपको पता होगा लखीमपुर खीरी का जो मैटर है, अभी किसानों और केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी का बीच का जो मामला है, मैं आपको दो तरीके से इसको बताने वाला हूं। दोस्तों आप देख रहे हैं अमर उजाला में यह कटिंग छपी हुई है, किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी ने कुचला, संघर्ष 8 की मौत। यानी कि किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी ने कुचला है, 8 की मौत हुई। अब दोस्तों यहीं पर मैं दूसरे पेपर की कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, दैनिक जागरण का आप कटिंग देखिए। तिखम लखीमपुर में किसानों का उपद्रव, 8 की मौत। दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों मैटर बिल्कुल ही अलग अलग, यह किसानों के पक्ष में बात कही जा रही है, यानी कि किसानों ने उपद्रव नहीं किया है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से 8 की मौत हुई है। और यहाँ पे दैनिक जागरण बोल रहा है कि किसानों के उपद्रव से 8 की मौत हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बात और एक लिख रहा है, देखिए, भाजपा नेता की कार से हुई दुर्घटना में 4 किसानों की जान गई, उपद्रवियों ने 4 भाजपा समर्थकों की हत्या की। यानी किसानों ने 4 भाजपा समर्थकों की हत्या भी की है, यह दैनिक जागरण का कहना है। वहीं हम बात करें अमर उजाला का, तो अमर उजाला बोल रहा है कि लखीमपुर खीरी में आक्रोशित किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी को फूंक दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों पेपर की कटिंग में कितना अंतर है, यह पेपर अमर उजाला क्या लिख रहा है और फिर दैनिक जागरण इसी चीज़ को किस तरीके से लिख रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और बिल्कुल इस पर हम तमाम वीडियो लेकर आने वाले हैं, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे बार बार सरकार द्वारा कही जा रही है कि इसमें जांच चल रही है, बड़ी स्तर की जांच चल रही है, इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई होगी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसमें बार बार सरकार का यह कहना है। लेकिन हम आपको बता दें, इस मैटर को उजागर करने के लिए तमाम राज्य के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं। कई लोग ट्विटर पर भी अपना बयान दिए हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रशासन हमें आने नहीं दे रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने दे रही है, ये खबर निकल के आ रही है। दोस्तों इसके साथ हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी हो या फिर यहाँ हरियाणा के हो, कई जगह के जो मुख्यमंत्री लोग हैं वो भी यहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, यहाँ तक कि अखिलेश यादव वहाँ पे बैठे थे धरने पे, उनको जो है कि घर में बंद कर लिया गया, घर में कैदा बंद कर लिया गया, पुलिस अभी भी उनको कैदा बंद करके रखी है। और यहाँ पे जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उनको भी पुलिस बंद करके रखी है। ये मैटर दोस्तों बार बार आ रहा है, आप लोग देखे भी होंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सही है और कौन गलत है इसको कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन दोनों पेपरों की कटिंग ने मुझे हैरान कर दिया और मैं इस पे वीडियो बनाने को मजबूर हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन क्या लिख रहा है, आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में कि क्या सच्चाई हो सकती है, वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये भी बात देखने को आ रही थी कि वहाँ के 50 किलोमीटर के आसपास किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई, आखिर अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, प्रशासन जिसको बंद किया है उसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, जबकि वहाँ पर इंटरनेट बंद हो गया और लोगों का आवागमन बंद हो गया, वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई, तो इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और इस पे हम एक बड़ी मुहिम लेकर अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी जो भी आपका विचार हो हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक अगली बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।